हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि मैंने आपको रियल नंबर के चैप्टर के बेसिक फार्मूलेस करवाए थे। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रोसीजर को आगे चलाते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को चालू करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि 2019 के एग्जाम बोर्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। इन स्टूडेंट्स, इन 10 क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे ढंग से रिवाइज करना, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। इन 10 क्वेश्चनों की मैं दो वीडियो में कन्वर्ट करूंगा, ताकि आपको अच्छे ढंग से इसकी समझ में आ सके। सो स्टूडेंट्स, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रियल नंबर का, जो कि आपके देखो क्या कहता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 1405 एंड 1465 एंड 1530 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में कि इसके स्टेप बना के करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने दो नंबर के बीच का तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने प्रूव करना आपको आता है। अगर आपके पास तीन नंबर आ जाए तो उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे यूज़ करेंगे? जब भी आपके पास तीन नंबर आ जाए तो उसमें अगर आपने एचसीएफ निकालना हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, तो आपने क्या करना है, दो नंबर को आपने पहले ही चूज़ करना है। मान लेते हैं कि पहले आपने दो नंबर लेते हैं 1405 एंड 1465। तो वी फर्स्ट टू टेक, सबसे पहले हम दो नंबर लेके चलते हैं। कौन कौन से? वी फर्स्ट टेक टू नंबर्स 1405 एंड 1465। ये दो नंबर लेके चलते हैं और अप्लाई करते हैं अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू 1405 एंड 1465 वी गेट। हम ये दो लेके चलते हैं और स्टेप बनाते हैं। देखो स्टूडेंट, कैसे इसको सोल्व करते हैं। स्टेप वन, सिंस 1465 ग्रेटर देन 1405, आपको पता है कि 1465 जो होता है वो 1405 से क्या होता है, बड़ा। तो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा वी गेट। तो वी हैव क्या कहता है, 1465 इसको यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू 1405 मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब इस यहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर कैसे आएगा, आप क्या करो स्टूडेंट, 1465 को 1405 से क्या करो, डिवाइड करो। इसको डिवाइड करने पर यहाँ पे जो क्वेश्चन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 और रिमाइंडर आपके पास बचेगा 60। ये स्टेप जो चलने हैं स्टूडेंट्स, आपने जब तक चलाने हैं जब तक इस यहाँ पे क्या आ जाए, रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना आ जाए। तो ये स्टेप वन था। अब स्टेप सेकेंड में करेंगे, स्टेप सेकेंड में क्या लिखेंगे, हेयर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। नाउ वी अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, अब किन दो नंबर के बीच में होगा, 1405 और 60, बी मतलब बी एंड आर, 1405 एंड 60 के बीच में। तो स्टेप थर्ड क्या करेंगे, तो स्टेप सेकंड में अभी चल रहा है, 1405 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई डैश प्लस रिमाइंडर। अब 1405 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा इधर 23 और रिमाइंडर आपके पास बचेगा 25। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई है, नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेप थर्ड अपने करेंगे, स्टेप थर्ड में लिखेंगे हेयर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। नाउ वी अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब किन दो नंबर के बीच में, 60 और 25, 60 एंड 25। तो 60 यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई प्लस क्वेश्चन मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। 60 को 25 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 और रिमाइंडर बच जाएगा 10। तो स्टेप इसका 4 बनेगा, हेयर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। नाउ वी अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, किन दो नंबर के बीच में, 25 और 10। तो
उसको करो, 25 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसको किससे करोगे मल्टीप्लाई, 2 से, और रिमाइंडर क्या बचेगा 5। यहाँ पे भी क्या आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आपने लास्ट स्टेप, इसके बाद आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। स्टेप 5 करते हैं, स्टेप 5 हेयर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, नाउ वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। किन दो नंबर के बीच का करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, 10 और 5 का, तो 10 एंड 5, 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो 2 इधर क्या आ जाएगा 0, तो मीन्स द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम्स 0। तो सो अब प्रोसीजर इज, ये जो प्रोसीजर चल रहा था अपने पास क्या आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस स्टेज के अंदर जो एडवाइजर एडवाइजर है वो एडवाइजर की वैल्यू क्या आपके पास 5, तो देयर फॉर एच सी एफ ऑफ 1465 एंड 1405 इज 5। ये आपके पास क्या आ गया, एच सी एफ आ गया, किन दो नंबर के बीच का, 1465 एंड 1405 का। अब जो थर्ड नंबर था वो थर्ड नंबर आपके पास क्या था, 1530, मतलब 1530 का आप इसके साथ जो एस सी एफ आया है इसके साथ क्या करोगे, 1530 के साथ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा फिर अगेन अप्लाई कर दोगे। नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू कौन से नंबर का, 5 एंड 1530। तो पहला स्टेप बनाओ इसका कि 1530 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, इस 1530 को 5 से डिवाइड करना 306 और रिमाइंडर आ जाएगा 0, मतलब हेयर रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो आवर प्रोसीजर इज स्टॉप, सो आवर प्रोसीजर इज स्टॉप। नाउ द एच सी एफ ऑफ 1503 एंड 5 इज 5, हैंस द एच सी एफ ऑफ द नंबर 1405, 1465 एंड 1530 इज 5, मतलब जो आपके पास एच सी एफ आएगा तीनों नंबर का वो कितना आ गया 5। तो स्टूडेंट इसको आप इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये आपको स्टेप बना के क्वेश्चन को सोल्व करना है। स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये चार नंबर क्वेश्चन आता है तो इसको डायरेक्ट मत कीजिए, इनको स्टेप बना के ही करना है, क्योंकि इन स्टेप के आपको नंबर मिलने हैं। कई बार बच्चे करते हैं इन स्टेप को आप बार बार लिखते नहीं हो, हेयर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, वी कैन अप्लाई, ये लाइन लिखना जरूरी है, आप ये स्टेप सीधा नहीं करने। अगर आपने ये स्टेप सीधा करते हो तो कई टीचर तो इसको सही कर देते हैं चेक करने वाले, लेकिन कई टीचर इसको नंबर स्टेप के नंबर काट लेते हैं, क्योंकि इनके स्टेप बनते हैं, इन स्टेप को लिखना पड़ता है, इन चीज़ों को स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, ये स्टेप 4, इनको आपने इसको ऐसे लिखना है। अगर आप इसको सीधा करते हो तो कई टीचर सही भी कर देते हैं, कई टीचर इसको मार्क्स भी काट लेते हैं। स्टूडेंट्स अपने 10th बोर्ड की क्लास है, रिस्क नहीं लेना, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप अप्लाई करना। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि पेपर के अंदर एस सी एफ पूछ सकता है, या तो दो नंबर का पूछ सकता है। दो नंबर का मैंने आपको इसी कारण कराया क्योंकि इसके अंदर अप्लाई हो रहा था टू नंबर्स का। अगर आपको दो नंबर का नहीं पूछा हो तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, थर्ड वाले क्वेश्चन को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर तीन नंबर का वाला आपको पूछा हो तो आप इस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। स्टूडेंट ये था तीन नंबर का एस सी एफ निकालना बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है स्टूडेंट्स, कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इट्स मीन्स आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे ढंग से करना। एक क्वेश्चन इसका क्यूब वाला आता है, वो भी मैं आपको इन्हीं क्वेश्चनों में कराऊंगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो कि फोर्थ और फिफ्थ है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ही बार रिपीट होता है, इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से करना। और एक जो 1.3 एक्सरसाइज के अंदर रूट वाली जो एक्सरसाइज है जिसको हम ई रिएक्शन प्रूव करते हैं, वो क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करना। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। आप लोगों को प्रूव करना है कोई भी एक स्केयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो इस फॉर्म के अंदर होना चाहिए 3m और 3m प्लस 1 भी। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड बी को लेट कर लेते हैं बी इज इक्वल टू 3। बी मतलब डिवाइजर, ये अपनी तरफ से लेट करना है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अपने पास जो फॉर्म थी वो 3m और 3m प्लस 1 में थी, तो यहाँ पे जो 3 था वो कॉमन था, तो मैंने बी को भी क्या लेट कर लिया 3। तो नाउ देन वी अप्लाई यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की जो वैल्यू होती है वो कहाँ तक होती है, 0 से बड़ी होती है और बी से छोटी होती है। मीन्स अब ए बी की वैल्यू अपने क्या लेट किया है, 3q प्लस आर, और जो आर की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से लेकर 3। इट्स मीन्स आर की जो वैल्यू होगी वो आर इक्वल टू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानेंगे। तो पुट आर इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो ए आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3q। इसकी 3 स्टेजेस बनेगी स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। फिर पुट आर इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर वर्स्ट, तो इसमें आर की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या बन जाएगा, 3q प्लस 1। थर्ड कंडीशन आपके पास क्या बनेगी स्टूडेंट, पुट आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसमें पुट करो ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ये तो अपने पास एक पॉजिटिव नंबर आ गया जो फॉर्म में आ गई 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 में। आपने ने जो फाइंड करना था वो करना था स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब पॉजिटिव इंटीजर तो मैंने निकाल लिया जिसकी आपके पास वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू 3q, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2। आपने निकालना क्या था, स्केयर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, तो मीन स्केयर करना है। तो आप इनके कर देंगे सभी के अंदर स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। बहुत ही अच्छे ढंग से समझो स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनकी स्केयरिंग कर दो, कुछ नहीं करना स्केयरिंग करना है। तो ए का स्केयर इज इक्वल टू 3q का स्केयर, तो ए का स्केयर ए स्केयर होता है, 3 का स्केयर कितना होता है 9, क्यू का स्केयर क्यू स्केयर। स्टूडेंट्स आपने जो फॉर्म लानी थी वो फॉर्म लानी थी 3m, मतलब 3 चाहिए और 1m चाहिए। तो स्टूडेंट मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3q², इट्स मीन्स 3 तो अपने पास आ गया और इसकी जगह पे अपने को क्या चाहिए m, तो इसको हम लेट कर लेते हैं m, वेयर m इज इक्वल टू 3q² या लेट कर लेंगे 3q², तो ये एक अपने पास फॉर्म बन गई a इज इक्वल टू ए स्केयर इज इक्वल टू 3m। अब दूसरी फॉर्म लानी थी अपने ने 3m प्लस 1, अब इन दोनों को हम 3m प्लस 1 के अंदर चेक करेंगे। इधर भी क्या कर देंगे हम स्केयरिंग, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं स्टूडेंट। देखो ए स्केयर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्केयर, स्केयर करो क्या आएगा, ये फार्मूला बन रहा है अपने पास ए प्लस बी का होल स्केयर। क्या फार्मूला होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 × a × b। तो इसको सोल्व करते हैं, 3q का स्केयर कितना होगा 9q², 1 का स्केयर 1 होता है 2 × 3q 6q। तो अपने को स्टूडेंट क्या चाहिए था, फॉर्म क्या चाहिए थी 3m प्लस 1, प्लस 1 चाहिए। इधर जो प्लस 1 था इसको अपन साइड पे लिख लेते हैं, ए स्केयर इक्वल टू, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो इधर क्या बचेगा 3q² प्लस 2q, ये प्लस 1 ऐसा का ऐसी। अब इसकी जगह पे क्या चाहिए m, तो हम इसको क्या कर लेंगे ए स्केयर इक्वल टू 3m, और यहाँ पे लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q। ये भी अपने पास क्या बन गई, एक फॉर्म बन गई। तो जो आपने ने बनानी थी क्वेश्चन के अंदर एक पॉजिटिव स्केयर नंबर होना चाहिए जो 3m और 3m प्लस 1 के अंदर होना चाहिए, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब हम स्टूडेंट इसको भी लेके आप 3m प्लस 1 भी प्रूव करेंगे, सेम इसी तरीके से स्केयरिंग करो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट करें स्केयरिंग, ए स्केयर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्केयर, तो ए स्केयर इज इक्वल टू, इधर ही फॉर्म लगाओ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 × a × b। तो सोल्व करते हैं, ए स्केयर इक्वल टू 9q², 2 का स्केयर मींस 4, इसका करेंगे तो 2 × 3 6 × 2 12q। तो स्टूडेंट अपने ने जो फॉर्म बनानी थी वो बनानी है 3m प्लस 1, तो प्लस 1 चाहिए, तो मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स,
9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, मैंने 4 को लिख देता हूँ 3 प्लस 1, ये प्लस 1 चाहिए था तो प्लस 1 को मैंने साइड कर दिया, इस इन तीनों में से 3 को मैंने लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, ये प्लस 1, इसकी जगह इसको क्या मिलेट कर लेंगे अब हम m, तो 3m प्लस 1, वेयर m की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, तो ये जो फॉर्म बन गया आपके पास, ये क्या बन गई 3m प्लस 1, ये भी 3m प्लस 1 और ये क्या बन गई 3m, यही प्रूव करना था कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, सो स्टूडेंट्स अब हमने इसको आपने प्रूव कर दिया है, तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से प्रूव करना है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस तरीके से आपने सोल्व करना है जैसे मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या देखो क्या कहता है स्टूडेंट्स, कहता फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 72 एंड 96 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 96m प्लस 72n वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। स्टूडेंट देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 72 एंड 96 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को प्रयोग करके 72 और 96 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। फिर कहता है कि एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर लिखने के बाद अपने m और n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे करते हैं, तो पहले सबसे पहले इन दो नंबर का आपने एचसीएफ निकालना है, तो लिखो हेयर 96 ग्रेटर देन 72, सो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव, तो फर्स्ट स्टेप करते हैं, स्टेप वन 96 इज इक्वल टू 72 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो 96 को 72 से डिवाइड करो, कोशेंट तो 1 आएगा, रिमाइंडर 24 आएगा। स्टेप स्टैक इन करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई है 24, 0 आनी चाहिए थी, तो लिखोगे हेयर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 बुई अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा, किन दो नंबर के बीच में करोगे 72 एंड 24, तो नाउ 72 इज इक्वल टू 24 इंटू 3 प्लस 0, क्वेश्चन की वैल्यू 3 आ जाएगी, रिमाइंडर वैल्यू क्या आ गई 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई है 0, सो आवर प्रोसीजर इज स्टॉप, सो एच सी एफ ऑफ 96 एंड 72 इज कितना आ जाएगा नंबर 24, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइजर की वैल्यू है जो क्या है 24, ये आपके पास जो आ गया वो 24 एचसीएफ आ गया इन दो नंबर का बीच का 72 एंड 96। अब आपने इन्हें फॉर्म एक्सप्रेस करनी है, किस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करनी है 96m प्लस 72n, आपने पास एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई है 24, आपने m और n की वैल्यू ऐसे पुट करनी है यहाँ पे ताकि इन दोनों को सोल्व करें, तो और क्या बनना चाहिए 24, तो मेरे पास जो फॉर्म है वो आपके पास क्या है 96m नाउ प्लस 72n, ये फॉर्म है, आपने m और n की वैल्यू ऐसे पुट करनी है ताकि 24 आ जाए, तो मैं लेट कर लेता हूँ इसमें, देखो m लेट कर लो, अगर m की वैल्यू 1 लेट करूँ और n की वैल्यू -1, इसे पुट करते हैं 24 आएगा, देखो कि 96 इंटू 1 प्लस 72 इंटू -1 मीन्स 96 प्लस को -1 लेकर करोगे -72, 96 -72 मीन्स 24, ये आ गया एचसीएफ, यही अपने ने प्रूव करना था 24 के इक्वल आना चाहिए, मीन्स हैंस m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू -1 इज दी आंसर। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए, अगर फाइंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर 72 एंड 96 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये तो सिंपल तरीके से आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम निकाल लोगे, जिससे एचसीएफ की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी 24। अब एक्सप्रेस करना था इसको कि इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 24 आएगी, मतलब 96 m और n, m और n की ऐसी वैल्यू अपनी तरफ से पुट करनी है ताकि इनको सोल्व करें तो आंसर कितना चाहिए 24 आना चाहिए, तो मैंने m की वैल्यू को 1 लेट किया, n की वैल्यू को -1 लेट किया, इधर पुट किया, तो सोल्व करते हैं तो अपने पास आंसर कितना आता है 24। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसे ध्यान से करना। अब नाउ फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है स्टूडेंट, कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट
द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। जैसे कि मैंने अभी आपको सेकंड क्वेश्चन कराया था जो कि स्क्वायर वाला था, और ये सेम बिल्कुल उसी तरीके से है जो कि क्यूब में आ गया, सेम उसी तरीके से हम लेट इसको करेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी की वैल्यू को 3 लेट करेंगे, तो देन वी हैव देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, बी तक, और यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करो 3 क्यू प्लस आर, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे, और आर यहाँ पे आर आएगा 0 लेस देन आर लेस देन बी, तो 0 लेस देन आर लेस देन 3 इट्स मीन्स आर की जो वैल्यू होगी 0, 1 और 2 होगी। यहाँ पे एक करके पुट करेंगे, पुट आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 3 क्यू। फिर दूसरी कंडीशन, पुट आर इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1। थर्ड कंडीशन, पुट आर इज इक्वल टू 2 मीन्स इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2। अब ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया जो 3 क्यू, 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2 में के फॉर्म में आ गया। सेम मैंने सेकंड क्वेश्चन में क्या था स्क्वायर वाले में, यहाँ तक तो आपने सेम किया है। अब लेकिन उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे क्यूब की जगह पे क्या पूछा था, स्क्वायर, तो मैंने इन टर्म्स का स्क्वायर कर दिया था। आपने क्या करना है, क्यूब, अब क्यूब करना है तो इन टर्म्स का क्या कर दोगे, क्यूब्स। मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू भी 3 क्यों लिया है, क्योंकि 3 का क्यूब करोगे 27 बनेगा, तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 into 3, क्योंकि अपने को 9m बनाना था, तो 27 को 9 into 3 लिख सकते हैं, तो मैंने 3 बी की वैल्यू को 3 ही लेट किया है। तो अभी यहाँ पे हम क्यूबिंग करते हैं, देखो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे ढंग से करना स्टूडेंट, बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं, कहता है कि ए का क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू का क्यूब, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब। आपने ने जो फॉर्म बनानी है वो क्या बनानी है, 9m, तो 9m कैसे बनेगी, देखो ए क्यूब इज इक्वल टू 27 को लिखता हूँ 9 into 3 क्यू क्यूब, इसकी जगह पे अपने को क्या चाहिए, m, तो 9 into m, तो मीन्स वेयर m की जो वैल्यू होगी वो क्या मान लेंगे 3 क्यू क्यूब, यही फॉर्म बनानी थी, देयर फॉर ए क्यू इज इक्वल टू 9m, एक ये आपके पास क्या बनेगी 4। अब दूसरी फॉर्म आपने बनानी है 9m plus 1, तो इनका क्यूबिंग करते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो करो ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब, मैं सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो लगाओ ए क्यूब, ए क्यूब में 3 क्यू का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 क्यू क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, फिर फार्मूला आता है 3a² b, या मैं सीधा करता हूँ 3ab into a + b, तो 3ab का मतलब हो गया 9 क्यू और 3 क्यू प्लस 1, तो इसको सोल्व कर रहे हैं, ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, ए क्यूब इक्वल टू 20, अब देखो प्लस 1 है इसको तो साइड पे लिख लेते हैं, बाकी सभी को इकट्ठा कर लेते हैं, इसमें से 9 कॉमन आ रहा है क्योंकि अपने 9 चाहिए था, तो 9 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह पे क्या चाहिए m, इसको क्या लेट कर लेंगे m, तो ये अपने पास फॉर्म बन गई ए क्यूब इक्वल टू 9m plus 1, वेयर m इज इक्वल टू क्या मानोगे 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये अपने पास दो फॉर्म बन गई, एक इक्वल टू 9m और एक इक्वल ए क्यूब इज इक्वल टू 9m plus 1, थर्ड अपने पास फॉर्म बनानी है 9m plus 8, अब इसको सोल्व करते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, देखो स्टूडेंट्स क्यूब करो, ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब, इसी भी ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म लगाएंगे, तो मैं सीधा लगा रहा हूँ, ए क्यूब मीन्स 27 का क्यू क्यूब, 2 का क्यूब मीन्स 8, तो 3ab मतलब 18 क्यू इंटू ए प्लस बी, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस, इसको इस समय ले करूँगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस, इसको इससे करूँगा प्लस 36 क्यू,
और ये प्लस का एट मैं साइड पे लिख लेता हूँ। क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि जो फॉर्म बनानी है वो फॉर्म जो बनानी है वो 9 प्लस 8 के रूम में बनानी है। तो चुनो इस तरीके से मैंने 8 को कह गया साइड पे लिखा। तो अब इसमें से जो अपने पास कॉमन आ रहा है वो अपने पास 9 कॉमन आ रहा है। 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3Q³ प्लस 6Q² प्लस 4Q, ये बनेगा अपने पास 3Q प्लस 2 तो 4Q प्लस 8 इंटू 36Q 54Q² प्लस 32Q² 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12Q। ठीक है, अब इसको क्या ऐड कर लेंगे m, तो 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3Q³ प्लस 6Q² प्लस 4Q, ये आपने m ऐड कर लिया। और ये किस कौन सी फॉर्म बन गई? a³ इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो स्टूडेंट आपने तीन फॉर्म बनानी थी, मैंने तीन फॉर्म बना दी है आपके पास। a³ इज इक्वल टू 9m, a इज इक्वल टू 9m प्लस 1, a इज इक्वल टू 9m प्लस 8। यही प्रूव करना था कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पोस्ट इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये मैंने फॉर्म बना दिया है, दोबारा से स्टूडेंट देख लीजिए। पहले मैंने क्या किया, एक पोस्ट इंटीजर लिया जिसको मैंने ये तीन फॉर्म के अंदर चेंज किया। इन तीन फॉर्म के बाद मैंने एक क्या कर दिया, क्यूबिंग कर दिया। जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें स्केलिंग किया था, इसमें क्या कर दिया, क्यूबिंग। क्यूबिंग करके मैंने इसको इस फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हमने ये क्वेश्चन किया फोर्थ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आपने इस तरीके से किया। अब हम लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 92 and 510, आल्सो फाइंड देयर एचसीएफ बाय यूजिंग एलसीएम। मतलब बाय यूजिंग एलसीएम मतलब आपने जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का फार्मूला किया था उस फार्मूले को यूज़ करके आपने एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपने 92 और 510 के फैक्टर बनाते हैं। तो 92 के फैक्टर बनाओ बाय एलसीएम मेथड, 2 पे चलाओगे 46 आया, फिर 2 पे चलाओगे 23 आया, फिर 23 पे चलाओगे 1 आएगा। इसी तरीके से 510 के फैक्टर बनाओ, 2 पे चलाओगे क्या आ जाएगा 255, फिर 3 पे चलाओगे 85, फिर 5 पे चलाओगे 17, फिर 70 चलाओगे 1। तो इट्स मीन्स तो 92 के जो फैक्टर बने आपके पास 2 × 2 × 23 बने हैं, 510 के जो फैक्टर बने हैं वो 2 × 3 × 5 × 17। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर आया वो आपके पास क्या आता है, एचसीएफ। लेकिन अपने एचसीएफ जो निकालना वो एलसीएम मेथड से निकालना है, तो हम इसमें एलसीएम निकाल लेंगे। जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, जो बच गया बाकी उनको सभी को वैसे का वैसे लिख देते हैं। मतलब ये 2 कॉमन, 2 बार कॉमन था, ये दोनों में कॉमन था, इसको एक बार लिखा, बाकी सभी को सारा का सारा ऐसे लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जाएगा वो 23,460 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नाउ फर्दर अपने ने फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर टू नंबर मतलब 92 × 510, एलसीएम की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 23460 एंड एचसीएफ की निकालना है। तो ये 23460 जी की वैल्यू पूरी तरह के क्या आ जाएगी, डिवाइड, ये तरह क्या कर दो, डिवाइड इक्वल टू एचसीएफ। तो स्टूडेंट ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ये 23 की जगह काटो तो 423 × 492, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 102। ये 2 पे गया, ये कि अपने पास 51 पे, ये 51 से 51 क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो देयर फॉर एच सी एफ की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 2, दैट इज आंसर। तो जो आपने ये देखा कि 5 क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन दोबारा से देखिए कि आपने एलसीएम निकालना था, फिर 92 ऑफ 510 का वो मैंने फैक्टर बना के इसका एलसीएम निकाल दिया सिंपल तरीके से। फिर वो कहता है कि एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग द एलसीएम मेथड, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाले फार्मूले से आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिए हुए थे, एलसीएम आपने निकाल लिया है, एचसीएफ निकालना था, उसको इससे डिवाइड कर दिया, सोल्व किया, एचसीएफ की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2। तो इस तरीके से आपने एचसीएफ निकाल लिया, बहुत ही आसान तरीका था। तो स्टूडेंट आपने देखा ये 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको कराया। इसके जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, वो भी वीडियो आप देखना ना भूलिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे ढंग से रिवाइज़ करना, ये आपके लिए
टेंथ क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर के अंदर 100% क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, इनको अच्छे ढंग से रिवाइज करना। सो स्टूडेंट्स, लक्ष्य एकेडमी से मोहित सर।